एज यू कैन सी मैं इस PNN में मौजूद हूँ और PNN में यहाँ पर मुझे इन्होंने गेस्ट बुलाया है आज उबैदुल्ला सिद्दीकी के शो में, और ईद पे ये शो आप देख सकेंगे। तो मैंने कहा कि ज़रा मैं यहाँ पे दिखाऊँ, कुछ पुराने कोलीग्स मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। हिना आदिल यहाँ पर है, हिना कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। और हमारी कब जमाने के बाद मुलाकात होती है ना, दुनिया टीवी के बाद, है ना? गुड, जबरदस्त, बट गुड टू सी यू वंस अगेन। ठीक है, मैं ज़रा आपके ऑफिस का विजिट करा रहा हूँ। अच्छा जी, ये है जी यहाँ का मेकअप रूम और हमारी कोलीग्स यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। हेलो उज़्मा, तैयारी मुकम्मल है? जी मुकम्मल है। पक्की बात है? उबैदुल्लाह सिद्दीकी की नहीं, मेरी तो हमेशा ही हर वक्त ही मुकम्मल रहती है। उबैदुल्लाह सिद्दीकी जी भाई, शुक्रिया आपके बुलाने का। अभी आपको मैं इस हालत में दिखा रहा हूँ, ये भी बेहतर हालत ही है, बुरी नहीं है। रंग गोरे करने का आपके पास क्या वो था राज, लोग पूछते होंगे ना? दिल साफ रखे और आंखें तो पूरी नूर होनी चाहिए, नियत नूरानी चीजें देखें। उस्मा को दिखा दिया इसीलिए मैंने, नियत भी साफ रखते इसलिए भी चेहरा पूरा है ना, नियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा से साफ है। आयशा ज़ुल्फ़िकार कैसी है, क्या था वो मैं हूँ सलमान हैदर जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले कि वो रिकॉर्ड का बटन दबाएं मैं अंदर ही आके बैठ जाऊं। सलमान आप क्या वीलॉग की तैयारी कर रहे हैं? और क्या सलमान, कितना मुश्किल है कि अभी आप आए हुए हो बेसिकली ईद शो में एज ए गेस्ट, ठीक है, एंड आई कैन सी डेडिकेशन कि यहाँ पर बैठ कर भी पहले अपना वीलॉग करना ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक टाइम लाइन है, उसको आपको मीट करना ही करना है। अच्छा, और दो से बाबा आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाकई बड़ी डेडिकेशन का काम है। तो आप जब होम बेसिकली करंट अफेयर से अटैच और बाकी दुनिया की सारी एक्टिविटी, हाँ हमारी जिंदगी जरूर एक वीलॉग से दूसरे वीलॉग के दरमियान है, इतना जरूर है, तो ये भी बड़ा ज्यादा जरूरी है। नहीं, नहीं, तो मैं जब तक इधर वेट करा रहे तो क्यों ना अपना तो एक काम तो कर ले। आ गई मेरी चाय, थैंक यू यार, पीएन के मेरे साथ चाय आ गई। आने के तो नहीं बुलाते चाय तुम्हें उस्मा, यहां पर भी खाने का ही सबसे पहले इफ्तारी करके बहुत कम खाया और मेरी तबीयत खराब हुई, आपने मेरा वेट ही देखा, मैं कितनी तुमने बहुत मिस किया है, कमजोर हो गई हो आपको, मैं भी कमजोर हो गई ना, तुम स्मार्ट हो गई हो। मैंने तो स्मार्ट वाली सारी एक्सरसाइजेस घर पे की है सारी, आप तो वहां रह के भी नहीं जिम जाते होंगे अभी भी, मुझे यकीन है। कई जगहों पे नहीं जाता, जिम जाने के लिए एक अदद गैरत रिक्वायर्ड है, क्यों सलमान और वो गैरत सिर्फ सलमान हैदर में, हैदर की तरफ से आती है, मुझे और अशफाक को देखो मैंने सब दोस्तों को लगाया आज तक जा रहा है, इसको नहीं लगा सका मैं, मैंने सारे दोस्तों को जिम की तरफ, यार मैं सलमान भाई इन्होंने मुझे जिम पे लगाया उसके बाद ये खुद जिम छोड़ गए, मैं आज तक जिम पे लगी, ये सिर्फ बच्चों का बदल था, डंबल की बजाय बच्चों का बदल था सर, है ना। आयशा ज़ुल्फ़िकार आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी हाँ खूबसूरती का राज यकीन ही नहीं है, आपके चेहरे पे जो नूर है क्योंकि मेरे मियां भी नूर हैं, मेरे अंदर आप लोग नूर से बने, हम नूर से, हम नूरानी मखलूक हैं, नूरानी मखलूक हैं, नूरानी नूर हर बला दूर, चश्मा लेके आया कहने लगा ये किस कैमरे बुजुर्गों का है, बुजुर्गों का है, बुजुर्ग आपको पता ना फारसी में अकलमंद को कहते हैं, लाहौर में रहते हैं भाई, जो मर्जी ट्रांसलेशन कर लो, मैं छह सात चीजें और बताऊंगा, इससे बेहतर फारसी कौन जानता होगा, वैसे मेरी बेगम पाक है, मैं तुम्हें छह सात चीजें और बताऊंगा, तुम्हें प्लग पता जाएगा। ये चेक कर रहे हैं जरा तैयारी मुकम्मल है, अजमा तुम ऐसे कमजोर क्यों हुई हो, किस क्या गम लगा है? मैं जिम कर रही थी, अच्छा रही थी, माजी का सीन है, अबे एक दो माह से नहीं कर रही हूं, जिम ऑल टाइम सोने के अलावा और काम के अलावा जो तीसरा काम है वो ये खाना। उसमें एक बात बताओ, वैसे सोनो टीवी जाने के बाद वो खाने वाला जो हमारा एक सेशन होता था वो मिस करती हूं, खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, मैं ईद पे जा रही हूँ सब शावर है ना, काफी तो अल्लाह खैर करे, तभी तो कमजोर हो गया, सुना है कि अब मामला बस एंड के करीब है, करें जरा सारे पुराने दोस्त हमारे हैं, ये एक्सपो के पास जो है बिछड़े, क्या अब कि हम बिछड़े तो शायद PNN में मिले। चंदू साहब
कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. बड़ा अच्छा आपने स्टूडियो जो है ना बड़ा जबरदस्त बनाया है. लाइक इट. आप लोग कैसे हैं जी? सर ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ये देखें स्टूडियो, ये स्टूडियो जो होता है ना हमेशा मल्टीपल यानी कि पर्पस के लिए होता है. इस तरफ से भी यूज़ हो सकता है. ये देखें आप यहाँ गेस्ट बैठे हुए सिद्दीकी, सलमान हैदर, और ये भी स्टूडियो का हिस्सा होता है जो कि दूसरी तरफ ही है. हम तैयार हैं जी. ये पांच नंबर हर काम इंजॉय किया है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से. असल में बाज़ इदारों में मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, सब ने ज़ाहिर देखा ही है, मुख्तलिफ रोल्स रहे हैं, ठीक है. मेरा ख्याल है हम लोग मल्टीटास्किंग ही है सारे के सारे. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक स्ट्रिक्ट हो गया ना, कहते हैं ना एक ही काम करना है, ऐसा नहीं है. जब हमें खबरें पढ़ते थे, रिपोर्टिंग के लिए बाहर भेजा तो आउटडोर रिपोर्टिंग भी की है, जलसे भी कवर किए हैं, सारे काम किए हैं, प्लस ये कि जब शो होस्ट किए तो शो होस्ट भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो हर काम को एंजॉय किया और हर काम से सीखा है. आपको हर इदारा, इदारे के लोग, इदारे की मैनेजमेंट और आपकी जो ऐसी बातें जो आप जो शोज या जो भी काम करते हैं उन सब